और हम चाहेंगे कि और लोग इस वीडियो को देख करके अगर उनके पास पानी गिराने का सुविधा नहीं है तो पंचों का बनवा सकते हैं। अच्छा। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल राहुल ब्लॉग। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा ब्लॉग जो कि मेरे गांव के बगल में मेरे चंदन भाई हैं जो पंचोखा का निर्माण करवा रहे हैं और उनसे आपको बातचीत करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये पंचोखा बनता है। देखिए इधर बन रहा है और क्या क्या इसमें मटेरियल लगता है और मिस्त्री लगे हुए हैं, उनसे भी बात कराएंगे आपको। और ये 15 साल लगभग इसका लाइफ बताया जा रहा है कि 15 साल इस पंचोखा को चलेगा। 50 साल लगभग इसका अथी है, 3 स्टेप में बनेगा। आपको दिखाते हैं, उनसे भी बात कराते हैं जो चंदन कुमार हैं, उनसे बात कराते हैं आपको। चलिए देखिए चंदन जी यहाँ पे हैं, बोलिए कुछ चंदन जी कैसे कैसे इसको। सबसे पहले तो वीडियो बनाने के लिए राहुल भैया को धन्यवाद। थैंक यू भाई, ये आज आकर के वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। और हम चाहेंगे कि और लोग इस वीडियो को देख करके अगर उनके पास पानी गिराने का सुविधा नहीं है तो पंचोखा बनवा सकते हैं। अच्छा। इस पंचोखा में खासियत है कि इसमें 30 फीट बोरिंग है। अच्छा, 30 फीट बोरिंग है। हाँ, अभी दिखाइए यहाँ पे। अच्छा, देखिए 30 फीट बोरिंग गड्ढा है और गड्ढा के चारों तरफ अच्छा ईट का काम अभी चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। हाँ, ईट मिस्त्री लगे हुए हैं। हाँ, चारों तरफ ईट आपका जुटेगा, इसमें फिर टुकड़ा से इसको भर दिया जाएगा, फिर भर जाएगा और भर करके ऊपर में स्लेब डाला जाएगा। स्लेब डालने के बाद फिर छोटा छोटा और जो है 2-3 स्टेप। हाँ, 2-3 वो चेम्बर बनेगा। अच्छा। और चेम्बर बनने के बाद पहले पानी उसमें आएगा और उसके बाद फिर अगला में आएगा, ऐसा करके बिल्कुल साफ पानी इसमें गिरेगा। अच्छा। और साफ पानी गिरने के बाद इसका लाइफ बिल्कुल करीब 50 साल तक के आसपास तक। 50 साल। हाँ, 50 साल इसका लाइफ है। 50 साल बिल्कुल लाइफ है। देखिए फ्रेंड, इसे आप लोग भी बनवा सकते हैं और जितना चाहे उतना पानी आप गिरा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। पानी के लिए पानी का कोई एकदम इशू नहीं होगा। इसको बनाने के लिए हमारे भैया जो हैं बसंत भैया, वही ठेकेदार हैं। हाँ, जो पहले आपको दिखाए थे हम। हाँ। पिछले वीडियो में जो बजरंग बली का जो निर्माण करवाए थे, जो आपको दिखा रहे थे आपको, तो जो उसमें आप लोग को भी इस तरह का अगर बनवाना हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका हम नंबर, कॉस्ट 20,000 के आसपास में आता है। इसका कॉस्ट 20,000 पड़ेगा। 20,000 में आसानी से आप बन जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड, संपर्क कर सकते हैं और बिल्कुल बनवा सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। हाँ, चलिए हम आप लोग को अब दिखाते हैं। देखिए मिस्त्री जो ऐसे लगा रहे हैं, इसको बना रहे हैं, और चंदन जी जो बनवाए थे वो अभी उनको काम था इसलिए वो अपना काम पे निकल चुके हैं। हम आप देखिए ऐसे बन रहा है, इसको चारों तरफ पहले ढलाया है नीचे, उसके बाद इसके ऊपर पूरा ईंटा जुटेगा, उसके बाद इसमें ईंटा डलाएगा, उसके बाद 2 स्टेप और बनेगा, उसके बाद पानी इसमें गिराया जाएगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, हम लास्ट तक आप लोग को दिखाएंगे कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। और मेरे वीडियो पर आए हैं, देख रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। लगभग आधा जुट चुका है ना, लगभग आधा जुट गया, आधा जुट गया है, जुट गया है। 100 इंचा कम रहे, आधे ईंटा लगता है ज़्यादा। वो जाली छूट रहा है वहाँ से, उस जाली में मतलब पानी इधर उधर जाएगा, हाँ खींचेगा। अच्छा, जाली छूटने लगा, आप जाली छूटने लगा है फ्रेंड्स, तो देखिए जाली अब वहाँ से वहाँ ऊपर तक जाली ही छूटेगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी लगभग पूरा हो चुका है, 1-2 ईंटा और ऊपर चलेगा, देखिए नीचे जैन बैन खुल चुका है। और वीडियो में बने रहिए, इसमें अब रोड़ा डलाएगा उसका भी दिखाएंगे, और आगे 1-2 स्टेप बनने वाला है वो भी दिखाएंगे आप लोग को। वीडियो को देखते रहिए लगातार, और ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी बनवा सकते हैं जिसको पानी का ज़रूरत, जो पानी गिराने का व्यवस्था नहीं है जिनके पास, जगह कम होने के कारण ये अंदर घर में ही बनवा सकते हैं इस चीज़ को, अंदर के अंदर ही रह जाएगा। जैसे ये इसमें तो थोड़ा सा आगे स्पेस है इनके पास, तो आगे बनवा रहे हैं, जिनके पास स्पेस नहीं है तो घर में भी बनवा सकते हैं, घर के अंदर चापाकल के बगल में ही या जैसे मोटर के बगल में ही। चलिए ठीक है, दिखाते हैं आप लोग को, बने रहिए पूरा प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, अभी पंचोखा का निर्माण पूरी तरह हो चुका है, इसमें रोड़ा डला चुका है, देख रहे हैं ना,
और दूसरा चैम्बर ये बन चुका है, बताए थे आपको उसमें से पानी आएगा वहाँ, और तीन चैम्बर का बताए थे आपको, एक तीसरा चैम्बर यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉक होगा पानी, यहाँ से पानी यहाँ की ओर जाएगा और तीन स्टेप बताए थे आपको इसमें आएगा और यहाँ से इसमें जाएगा पानी। देखिए पाइप लगाया हुआ है, का निर्माण हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें पानी अब पानी गिरेगा तो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, उसको टोपा जाएगा उसको। देखिए वहाँ पर उसका स्लैब ढला हुआ है, ढला चुका है और यही चैम्बर है, और आप लोग भी इसका निर्माण करवा सकते हैं। और मेरे वीडियो पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।